हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2022 फिजिक्स पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है थ्री प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ कैपिटल एल। देयर इज ए स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस स्मॉल एल ग्रेटर देन जीरो फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स एज शोन इन द फिगर। अ रे ऑफ लाइट पास्ड थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कन्फिगरेशन एंड द रे ऑफ लाइट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो फ्रेंड्स, हमें एक मिरर कन्फिगरेशन दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का, जिसमें कि एक होल है स्मॉल एल डिस्टेंस पे और इसमें एंगल थीटा पर लाइट जो है एंटर करती है और जो लाइट है वो इसी होल से बाहर निकल सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चार कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन है रे विल कम आउट आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड स्मॉल एल बिटवीन जीरो टू कैपिटल एल। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये 30 डिग्री पर एंटर करती है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और किसी मिरर पर जब भी कोई लाइट जो है किसी भी मिरर पर जब भी कोई लाइट जो है 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, रे विल कम आउट आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। हाँ, तो फ्रेंड्स ये वन रिफ्लेक्शन के बाद सीधा वापस चली आएगी और 30, इसीलिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बी ऑप्शन देखें तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री स्मॉल एल इज इक्वल टू एल बाई टू रे विल कम आउट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर इसको देखें तो अगर लाइट 60 डिग्री पर एंटर होती है तो फ्रेंड्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये हम 90 डिग्री एंगल मान के चले तो ये 30 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ ये 30 डिग्री इसका एंगल है तो ये 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर ये इंसिडेंट होगा, यहाँ पर फिर से 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ फिर से रिफ्लेक्ट करेगा 30 डिग्री पर, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये लाइट सीधा बाहर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, वन और टू रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर आ जा रही है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें थर्ड केस दे रखी है फॉर स्मॉल एल इज इक्वल टू एल बाई थ्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे विल कम आउट आफ्टर 5 रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें अगर स्मॉल एल की वैल्यू एल बाई थ्री है तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें हमारे पास ज़्यादातर स्केल रहती नहीं है तो इसको डिवाइड कर लो 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स 60 डिग्री पे अगर हम रे को एंटर कराएं तो ये यहाँ पर पहुँचेगी तो ये 60 डिग्री एंगल बनाएगी, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगी तो ये ये नॉर्मल से इसका एंगल बचेगा 30 डिग्री। और फ्रेंड्स ये 30 डिग्री एंगल यहाँ दूसरे मिरर पर भी बनाएगी और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ये चली आएगी सीधा और यहाँ पर एंगल बनाएगी 60 डिग्री।
यहाँ से फ्रेंड्स ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये यहाँ पहुँचेगी। ये भी एंगल फ्रेंड्स 60 डिग्री होगा, और यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पर ये पहुँचेगी 60 डिग्री एंगल पर, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सीधा बाहर आएगी। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर आती है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट ऑफ फॉर थीटा इज इक्वल टू विल कम आउट ऑफ फॉर थीटा इज इक्वल 60 डिग्री एंड 0 टू एल बाई आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि देख सकते हैं 6 रिफ्लेक्शन का एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए हमेशा ही 5 रिफ्लेक्शन होंगे, कभी भी 6 रिफ्लेक्शन नहीं होंगे, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है फाल्स हो जाएगा।